प्रशांत किशोर पटना है, उन्होंने तमाम ये सवाल उठाया है कि यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा नहीं ठीक है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बिजली है लेकिन बिजली की पर कैपेसिटी पर जो वो होती है कंजम्पशन होती है वो बहुत कम है। तो क्यों नहीं कन्हैया कुमार और प्रशांत किशोर एक साथ आते हैं एक मंच पर और क्यों नहीं एक बेहतर बिहार बनाने के लिए साथ चलते हैं? क्या आपको इन्विटेशन मिला है? क्योंकि बहुत बिहार के नेता जाके उनके साथ मिल रहे हैं। देखिए एक बात तो मैं ये बात आपको स्पष्ट कर दूँ कि लोग अगर मैंने उनके सवाल के जवाब में भी कहा कि बिहार के लोग जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है बिहार के लिए अगर वो अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनको बधाई है वो करें, उनसे हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। एक बात रही बात आप स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं एक साथ इधर से भी बोले प्रशांत जी का, मुझे कोई इन्विटेशन नहीं मिला है और इस संबंध में हमारी कोई बातचीत नहीं। अब होता क्या है कि ये सब कयास जो है वो लगाए जाते हैं, आप सब जानते हैं, आप सब मीडिया के लोग हैं, बिटवीन द लाइन जो है वो न्यूज जो है वो लिखा जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जो हमारे सामने सवाल खड़ा है वो बात है कि हम इस देश के लोगों को जो नफरत में उलझा कर जो उनका बुनियादी इश्यूज है उससे जो डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको कहते हैं ना जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, अभी का रिजीम कर रही है डाइवर्ट एंड रूल। तो ये जो डाइवर्जन है उस डाइवर्जन से लोग निकल करके बेसिक कोर इश्यूज पे कैसे काम करते हैं, कैसे उस पर जो है तैयार इस संबंध में अपनी बात कर रहे हैं। बाकी लोग भी कर रहे हैं उनका भी बहुत क्या साथ नहीं आना चाहिए। ये चाहत है। देखिए ये सब चीज अब हम कम से कम जो है जो बिहार में चुनाव लड़ लिए हैं तो इतना समझ हो गया कि भल मनसाहत जो है भल मनसाहत कई बार जो है राजनीतिक जो गुनागणित होता है उसके आधार पर निर्भर करता है। साथ आने के लिए तो खुले तौर पे हम लोग कह रहे हैं कि NPR NRC और CA के संबंध में सब लोग साथ आए। बताइए कोई कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर से या कांग्रेस के पार्टी के बैनर से जो प्रोग्राम हो नहीं रहा है, ये एक विरोधी संघर्ष मोर्चा है। लेकिन आपको भी पता है कि कई पार्टियां जो है इससे अपना डिस्टेंस बना करके रखी हैं, तो ये आपकी भलसाहत भल मनसाहत है जिसकी हम इज्जत करते हैं। ऐसा हो जाए तब तो देश तुरंत बदल जाए।